हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आपके पास भी पोको M3 है और आपको भी ब्लूटूथ से किसी और डिवाइस में इंटरनेट चलाना है, तो कैसे आप ब्लूटूथ से एंड्रॉयड डिवाइस में इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने पोको M3 में सेटिंग्स को करना है ओपन। सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा पोर्टेबल हॉटस्पॉट। पोर्टेबल हॉटस्पॉट पर क्लिक करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, ब्लूटूथ टेथरिंग का ऑप्शन मिलेगा और राइट साइड में स्विच मिल जाएगा। स्विच पर क्लिक करके ऑन कर देंगे। उसके बाद जो है आपको बैक जाना है और मोबाइल डेटा को ओपन कर लेना है। मोबाइल डेटा को ओपन करने के बाद आपको दूसरे डिवाइस पे, जो आपके पास दूसरा डिवाइस है एंड्रॉयड डिवाइस, आपको उसके सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपको कनेक्टिंग डिवाइस में जाना है, सॉरी गाइस, नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है, हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग पर क्लिक करना है। ब्लूटूथ टेथरिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैक जाना है और ब्लूटूथ पर कनेक्टिंग डिवाइस पर क्लिक करना है। पेयर न्यू डिवाइस पर क्लिक करना है और इसमें भी आपको ब्लूटूथ में चले जाना है, पोको M3 में। थोड़ी देर वेट कर लेना है। यहाँ पर आपको आ जाएगा डिवाइस नेम, नेम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेयर पर टिक लगाना है, राइट का पेयर पर क्लिक करना है और इस पर भी आपको परमिशन देना है, पेयर पर क्लिक कर लेंगे। आप जो है आप फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कुछ भी आप चला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, ना ही वाईफाई। तो आप इसी तरह से ब्लूटूथ से इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन ज़रूर दबा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।